देखिए, पहले शरद पवार जी के पार्टी के नेता माजिद मेनन, उसके बाद शरद पवार जी, इतने बड़े नेता और इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, किताब को पन्नों को पढ़ते पढ़ते इनकी इंसानियत मर गई। मुझको लगता था कि शरद पवार इतने बड़े नेता हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग, सुशांत सिंह का मामला पूरे देश और दुनिया में जान रहा है और उसको बोल रहे हैं कि लोग कि मरने के बाद इतना पॉपुलर हुए हैं। मतलब इनका मानसिक दिवालियापन घोषित हो चुका है। जो मुंबई पुलिस कह रही है वो वहां के नेता बोल रहे हैं। जब जांच चल रही है, कोर्ट में ही मामला है, सब जुडिशरी है, उसके बाद इस शरद पवार जिस तरह का भाषा, मैं उम्मीद नहीं करता था कि इतने बड़े नेता, सुशांत सिंह का सुसाइड या मर्डर, ये तो मामला जांच का विषय चल रहा है, लेकिन इस तरह शरद पवार, आप शरद पवार का उम्र के उस दहलीज पर चले गए और इस तरह का भाषा का प्रयोग। देखिए, मुझको लगता है सब डिरेल हो चुके हैं वहाँ। एक मामला में ये पता चला कि सारे नेता अब डिरेल हो चुके हैं, जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शरद पवार जी को अपने पार्टी के नेताओं को नोटिस देना चाहिए कि इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करें। लेकिन शरद पवार का पोता तो बोल रहा है ठीक है, जांच होनी चाहिए, वो बोलते हैं अपने पोता को नोटिस नहीं लेते हैं। अब समझ लीजिए, घर में ही विवाद छिड़ गया है। मैं तो उनके पोते को धन्यवाद देता हूं कि सच के राह पर चल रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं लोग? उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं कि सुशांत सिंह का सुसाइड और मर्डर, ये सुसाइड और मर्डर के मामला में फंसा हुआ है। लोग कह रहा है, आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि मामला गंभीर है, ये मर्डर का मामला है, उसको छिपाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है।